हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम ज्योग्राफी थ्रू मैप वाली सीरीज में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैप उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हम ज्योग्राफी मैप की मदद से पढ़ते हैं तो हमें सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और जो हमारी लर्निंग है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। हमें लंबे समय तक टॉपिक्स याद रहते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हैं, मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी थ्रू मैप वाली सीरीज में, आज हम कवर करने जा रहे हैं मेजर पीक्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जितने भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, चोटियां हैं, हम उन्हें मैप के साथ कवर करेंगे और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। साउथ अमेरिका एरिया वाइज एकदम मिडल में पड़ता है। देखिए, टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका से बड़े हैं और 3 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका से छोटे हैं। तो एरिया वाइज साउथ अमेरिका एकदम मिडल में पड़ता है। सबसे पहले हम वो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं जिनसे साउथ अमेरिका छोटा है। तो साउथ अमेरिका एशिया से छोटा है, अफ्रीका से छोटा है और नॉर्थ अमेरिका से छोटा है। अब हम वो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं जिनसे साउथ अमेरिका बड़ा है। साउथ अमेरिका बड़ा है अंटार्कटिका से, यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से। तो एरिया वाइज साउथ अमेरिका एकदम मिडल में पड़ता है सभी कॉन्टिनेंट्स के। ये बातें मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप पर समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अमेरिका कहाँ है। ये देखिए, ये है हमारा साउथ अमेरिका। इक्वेटर यहाँ से जाता है साउथ अमेरिका के। तो मोस्टली जो हमारा साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, कुछ पार्ट उसका नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। अब हम वो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं जो साउथ अमेरिका से बड़े हैं। साउथ अमेरिका से बड़े 3 कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, ये देखिए, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। ये तीनों कॉन्टिनेंट्स साउथ अमेरिका से बड़े हैं। अब हम वो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं जो साउथ अमेरिका से छोटे हैं। ये देखिए यूरोप, ये साउथ अमेरिका से छोटा है। इधर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे हमारा आ जाता है अंटार्कटिका। तो ये तीनों ही कॉन्टिनेंट्स साउथ अमेरिका से छोटे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक का। अब हम साउथ अमेरिका के ज्योग्राफिकल रिचेस के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका की जो ज्योग्राफिकल रिचेस हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी नदी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एमेजॉन रिवर। वो कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो नाइल नदी है, नील नदी है, वो संसार की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है,
लेकिन जब भी बात होती है बिगेस्ट रिवर की, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है अमेज़न रिवर। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल रिचेस क्या हैं? लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका में सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बहुत ही घने जंगल होते हैं, यहाँ पर लेयर्ड वेजिटेशन होता है, एक के ऊपर एक वेजिटेशन चढ़ा होता है। और देखिए यहाँ पर जो कैनोपी कवर है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, सनलाइट जंगलों में पार नहीं कर पाती है। और ये जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक एक पेड़ पे 2-2 हज़ार स्पेशीज रहती हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अर्थ की ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडायवर्सिटी है। एनाकोंडा पाए जाते हैं, इतने लंबे लंबे एनाकोंडा नदियों में देखे जाते हैं जो कि आप लोग सैटेलाइट से देख सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है ड्राइस्ट डेजर्ट, संसार का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है, सबसे शुष्क डेजर्ट है वो यहाँ पर पाया जाता है। उस डेजर्ट का नाम क्या है? एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट है। आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो वेस्टर्न एज है, वेस्टर्न साइड, संसार की सबसे बड़ी माउंटेन चेन पाई जाती है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सिंगल माउंटेन रेंज है वो सबसे लंबी है, और उसका नाम क्या है? एंडीज। एंडीज पर्वत की जो माउंटेन रेंज है वो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पाई जाती है। अब ये सारी चीजें मैप पर देखते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी अमेज़न रिवर है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसीलिए ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। और यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो कि बहुत ही घने जंगल हैं। ये देखिए ये हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, पूरा एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ से देखिए साउथ अमेरिका के एकदम स्टार्टिंग से और फिर ऐसे चल के एकदम एंड तक है, यहाँ तक जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है, और इस लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। अब हम साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट पीक्स देखते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट पीक है माउंट एकोनकैगुआ। माउंट एकोनकैगुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 6,962 मीटर्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पीक है ओजोस डेल सेल्डोस जिसकी हाइट है 6,893 मीटर्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट पीक है नेवाडो हुएस्कारन, साउथ अमेरिका में नेवाडो का मतलब होता है माउंटेन पर्वत। थर्ड इम्पॉर्टेंट पीक है नेवाडो हुएस्कारन जिसकी हाइट है 6,768 मीटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक है चिम्बोराजो, चिम्बोराजो की हाइट है 6,310 मीटर्स। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी की हाइट है 5,911 मीटर्स। अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। माउंट एकोनकैगुआ, माउंट एकोनकैगुआ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, और इतना ही नहीं
अगर एशिया के बाहर देखें, मतलब हम हिमालयस को हटा दें, एशियन माउंटेन्स को हटा दें, एशिया के बाहर देखें तो ये अपने आप में सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया, जिसकी हाइट मैंने आप लोगों को बता ही दी, 6,962 मीटर्स। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सदर्न एंडीज में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन अभी मैं आप लोगों को मैप पर दिखाऊंगी। और देखिए, ये साउथ अमेरिका की किस कंट्री में लोकेटेड है? बहुत इजी है, याद रखना, अर्जेंटीना। देखिए, ए से स्टार्ट होता है माउंट एकॉनकैगुआ और ए से ही स्टार्ट होता है अर्जेंटीना। तो आप लोग इजीली याद रख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका की किस कंट्री में लोकेटेड है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का कौन सा प्रोविंस है? मेंडोजा प्रोविंस। देखिए, माउंट एकॉनकैगुआ अपने आप में एक वॉल्केनिक ओरिजिन की पीक है, मतलब इसमें जो मटेरियल है वो वॉल्केनिक मटेरियल है, लेकिन ये अपने आप में एक एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अभी करंटली ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। आप लोग मैप पर देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका। और यहाँ से हमारे इस तरीके से एंडीज रेंजेस जा रहे हैं। माउंट एकॉनकैगुआ यहाँ पर पड़ता है सदर्न एंडीज में। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का कौन सा प्रोविंस है? मेंडोजा प्रोविंस। ये देखिए, माउंट एकॉनकैगुआ यहाँ से हमारे इस तरीके से एंडीज रेंजेस जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली माउंट एकॉनकैगुआ न्यूज़ में रहा है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके आंसर देना है कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ओजस डेल सेल्डोस। ओजस डेल सेल्डोस साउथ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का। ये संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है अभी भी। और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है एशिया के बाहर। अगर हम एशिया के बाहर देखें या फिर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। इसका नाम ओजस डेल सेल्डोस क्यों पड़ा? ओजस डेल सेल्डोस एक स्पेनिश नेम है जिसका मतलब होता है आईज ऑफ सॉल्ट। मतलब ये जो हमारा एक्टिव वॉल्केनो है, ये जो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन पीक है, इसके चारों तरफ हमारे सॉल्ट लैगून्स पाए जाते हैं, नमक की खाड़ियाँ पाई जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊंगी। तो इसलिए इसका नाम ओजस डेल सेल्डोस पड़ा क्योंकि इसके चारों तरफ नमक की खाड़ियाँ पाई जाती हैं। ओजस डेल सेल्डोस की लोकेशन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पड़ता है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है ओजस डेल सेल्डोस। और मैंने आप लोगों को माउंट एकॉनकैगुआ के रेस्पेक्ट में भी इसकी लोकेशन दिखाई है। माउंट एकॉनकैगुआ यहाँ पर पड़ता है पूरी तरीके से अर्जेंटीना में, और जबकि ओजस डेल सेल्डोस अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ से हमारे इस तरीके से एंडीज रेंजेस जा रहे हैं। ये है माउंट ओजस डेल सेल्डोस। इसके चारों तरफ सॉल्ट लैगून्स हैं। ये एक और इमेज है माउंट ओजस डेल सेल्डोस की, जिसके चारों तरफ नमक की खाड़ियां हैं, इसीलिए इसका नाम ओजस डेल सेल्डोस पड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है
नेवाडो हुआस कैरन। नेवाडो हुआस कैरन साउथ अमेरिका की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पर पड़ती है? पेरू में। पेरू की ये सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है पेरू की। इस माउंटेन की दो चोटियां हैं। पहली समिट है हुआस कैरन नॉर्थ, पहली चोटी है हुआस कैरन नॉर्थ, जिसकी हाइट है 6,655 मीटर, और जो इसकी मेन चोटी है, मेन समिट है हुआस कैरन साउथ, जिसकी हाइट है 6,768 मीटर। हुआस कैरन नेशनल पार्क इस चोटी को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा हुआस कैरन नेशनल पार्क ट्रॉपिकल माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? पेरू में पड़ती है, पेरू के एंडीज में पड़ती है। देखते हैं इसे इमेज में, मैप में। आप लोग देख सकते हैं नेवाडो हुआस कैरन यहाँ पर पड़ता है। ये साउथ अमेरिका की थर्ड हाईएस्ट पीक है और पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जा रहा है। तो ये जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, एंडीज का ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल माउंटेन्स में। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा हुआस कैरन नेशनल पार्क है। मैंने आप लोगों को बताया कि इस माउंटेन की दो चोटियाँ हैं, टू समिट्स हैं, और जो मेन समिट है, जो कि सबसे ऊंची है, आप लोग देख सकते हैं ये दो चोटियाँ हैं, और सबसे ऊंची चोटी है वो है साउथ हुआस कैरन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो कहाँ पर लोकेटेड है? इक्वेडोर में। चिम्बोराजो इक्वेडोर की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, 6,310 मीटर्स है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन दिखाती हूँ मैप पर। ये देखिए, ये इक्वाडोर है और यहाँ पर हमारी पड़ती है चिम्बोराजो। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इक्वेटर के बहुत क्लोज है। देखिए, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है और चिम्बोराजो पीक इक्वेटर के बहुत क्लोज है। इक्वेटर के क्लोज होने के बाद भी इसकी जो चोटी है उस पर बर्फ जमी होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इक्वेटर के पास होने के बाद भी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसकी चोटी पर बर्फ जमी होती है। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत बार, तो ये इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पीक बन जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर लोकेटेड है? ये भी इक्वेडोर में लोकेटेड है और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पीक इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वॉल्केनो है। ये एक फेमस ज्वालामुखी है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये आए दिन विस्फोट होता रहता है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, 5,911 मीटर्स। मैप पर देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी को। देखिए, ये इक्वेडोर है और माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पर लोकेटेड है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। एंडीज माउंटेन सिस्टम, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, वो साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती है? वो साउथ अमेरिका की 7 कंट्रीज में लोकेटेड है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। एंडीज माउंटेन सिस्टम इन 7 कंट्रीज में लोकेटेड है। एंडीज रेंज सबसे चौड़ी कहाँ पर है? सबसे वाइडेस्ट कहाँ पर है?
बोलीविया में, जो कि 640 किलोमीटर चौड़ी है, वाइड है। यहाँ पर इसकी दो चेन्स हैं, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल एंड कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। यहाँ पर इसकी दो चेन हो जाती हैं, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, और इनके बीच में एक प्लेटू पड़ता है, बोलीवियन एल्टी प्लेनो, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। बोलीवियन एल्टी प्लेनो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इन दोनों चेन्स के बीच में पड़ता है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल के बीच में बोलीवियन एल्टी प्लेनो पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं जिससे कि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।